इन टुडेज क्लास, चूंकि ये जो क्लास है एलटी का है और एलटी के सिलेबस को हम लोग कवर कर रहे हैं लगभग एक हफ्ते से, या मोर देन वन वीक आई कुड नॉट टेक योर क्लास, बट अगेन आई एम स्टार्टिंग। और जहाँ पे मैंने आपको या अपने वर्क को मैं छोड़ा था उसी चीज़ को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। हियर आई वुड लाइक टू टेल यू वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इन टूडेज क्लास व्हाट आई हैव टेकन, इन टूडेज क्लास आई हैव टेकन जॉन स्टेनबेक का नावल द ग्रेप्स ऑफ रात करके उनका एक नावल है, जो इसमें रात वर्ड है दैट इज हाईली सिग्निफिकेंट बिकॉज रात रिफर्स टू व्हाट इट शोज एंगर, बट मोस्ट प्रोबेबली इट स्टैंड्स टू शो द एंगर ऑफ गॉड, रात ऑफ गॉड, एंगर ऑफ गॉड। तो नॉवेल ऐसे ही बता रहा है कि हाँ इसमें किसी ना किसी तरह का एंगर है, क्रोध है। और यू विल कम टू नो कि ये जो नॉवेल जो बुना गया है, ये जो नॉवेल जो लिखा गया है, जॉन स्टेनबेक एक अमेरिकन नॉवलिस्ट थे जिनको नोबल प्राइज भी मिला हुआ था, बड़े नॉवलिस्ट में शुमार किए जाते हैं, उनका ये नॉवेल है। एंड हियर आई वुड लाइक टू टेल यू कि देर आर सम सिग्निफिकेंट पॉइंट्स विच आई विल आल्सो अगेन मीन्स आई विल आई वुड लाइक टू talk with you, but before sharing that PDF file, I just here I want to draw your attention ki what is important in this novel. PDF file tabhi main share karunga, lekin usse pehle main ye batana chahta hu ki is novel mein kya important cheez hai. Sabse pehla cheez ki ya jo novel hai American realist, jo America ka jo problem hai ya wahan ka ya wahan ki realism ko ya on the ground of reality ये नावेल लिखा गया है, मतलब एक रियल घटना पे आधारित है। ऐसा नहीं है कि किसी तरह का इमेजिनेशन है या इज द पार्ट ऑफ द इमेजिनेटिव वर्क आर द इमेजिनेटिव लैंड, नो नॉट एट ऑल, एक रियल घटना को लेकर के बुना गया है। नावेल 1939 में पब्लिश होता है 1939 ईस्वी में, और हमें पता 1939 का मतलब कि द्वितीय विश्व युद्ध की आहट हो गई थी, द्वितीय विश्व युद्ध का लगभग एक वातावरण तैयार हो गया था, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 तक चलता है। तीसरा पॉइंट की जो ये बुक है इसको नेशनल बुक अवार्ड मिला और पुलित्जर प्राइज मिला है, इट मीन्स इस नावेल के लिए पुलित्जर प्राइज भी दिया गया था और नेशनल बुक अवार्ड भी इसको मिला हुआ है। और ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि नावेल पब्लिश्ड ऑन 14th अप्रैल 1939। नावेल अगर आप देखेंगे कि इसको क्या ग्रेट डिप्रेशन को लेकर के बात करता है, एक फैमिली है, जोट फैमिली है, उस जोट फैमिली के जो कैरेक्टर्स हैं ज्यादातर उसमें फार्मर्स हैं, किसान हैं, लेकिन ड्रॉट आने की वजह से, करप्शन की वजह से उन्हें अपना सिटी ओक्लाहामा छोड़ करके जाना पड़ता है। कहाँ जाना पड़ता है? कैलिफोर्निया। तो ओक्लाहामा सिटी क्यों छोड़ना पड़ता है, और जिस वजह से ओक्लाहामा सिटी छोड़ना पड़ता है, जब वो कैलिफोर्निया जाते हैं तो क्या उनको कैलिफोर्निया में वो चीजें नसीब होती हैं जिस वजह से उन्होंने ओक्लाहामा को छोड़ा था। अगर कोई आदमी एक जगह छोड़ता है दूसरी जगह जाता है तो कुछ बेहतर की उम्मीद में जाता है, तो क्या वो बेहतरी उनके जीवन में आ पाई, उनके उनको मिली, या उससे भी ज्यादा उनकी सिचुएशन बुरी से बुरी सिचुएशन में वो जाते हैं। इन्हीं सब चीजों को लेकर के हम बात करेंगे, और इसके लिए मैं गुड इवनिंग सर, या गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, इसके लिए मैं पीडीएफ फाइल शेयर कर रहा हूं और मैं एक एक पॉइंट बताऊंगा। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बताइएगा। ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि आई हैव डिवाइडेड दिस लेक्चर इनटू टू पार्ट्स, इस लेक्चर को मैंने दो हिस्सों में बांटा है। टुडे आई विल डिस्कस द थीम कैरेक्टर अबाउट द नॉट अबाउट द ऑथर बट व्हेन द नॉवेल पब्लिश्ड and also in what situation under what circumstances the novel was written. उसके बाद कल मैं उसकी पूरी story को discuss करूँगा. Let me share. I think it's visible. Is it visible? Okay sir. Clear sir. Okay. ओके, नाउ यू विल कम टू नो कि जो नावेल हम लोगों ने चूज किया है वो नावेल का क्या नाम है, द ग्रेप्स ऑफ रात, नंबर वन पॉइंट। द ग्रेप्स ऑफ रात जो है एक इसका नावेल है, यह एक ऐसा नावेल है जिसको जॉन स्टेनबेक ने लिखा है, JOHN जॉन स्टेनबेक, STENBECK जॉन स्टेनबेक ने लिखा है। नावेल कब पब्लिश हुआ है? 1939 में पब्लिश हुआ है।
नावेल में क्या चीज दिखाया गया है, अमेरिकन रियलिज्म को दिखाया गया कि एक जो रियलिस्टिक प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को लेकर के नावेल बुना गया है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इस नावेल को जो है क्या अवार्ड मिला था, नेशनल बुक अवार्ड मिला हुआ है, पुलिजर प्राइज मिला हुआ है। और नावेल कब पब्लिश हुआ है, 14 अप्रैल 1939। इतना बताने के बाद मैं केवल आपसे जनरली ये क्वेश्चन है जानना चाहता हूँ कि हु इज द ऑथर ऑफ द नॉवेल। जॉन 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 स्टेनबेक स्टेनबेक इज द ऑथर, या व्हेन डिड इट पब्लिश। 1939 1939 1939 इट पब्लिश इन 1939। व्हाट टाइप ऑफ सब्जेक्ट मैटर यू फाइंड हियर, व्हाट टाइप ऑफ सब्जेक्ट मैटर डू यू फाइंड हियर? रियलिस्टिक प्रॉब्लम, रियलिस्टिक या एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो इसका थीम है वो ऑन द ग्राउंड ऑफ रियलिटी इस ये बेस्ड है या बुना गया है, लेकिन उसका जो थीम है वो है ग्रेट डिप्रेशन। व्हाट व्हाट द थीम डू यू फाइंड? ग्रेट डिप्रेशन। नाउ यू कम टू नो अबाउट कैरेक्टर्स। जो इसमें कैरेक्टर्स है, सबसे बड़ा कैरेक्टर क्या है, टॉम जोड है। और जो टॉम जोड है वो जेल में बंद है, वो हत्या के मामले में जेल में बंद है। लेकिन रिमेम्बर दैट कि ये जो टॉम जोड है, यह एक जोड फैमिली को पूरा रिप्रेजेंट करेंगे। और इसका जो सेटिंग है शुरू में कहाँ है, ओक्लाहामा सिटी है। और टॉम जोड जो है 4 साल बाद जेल से वापस आता है, जब अपने शहर ओक्लाहामा को जाता है तो पता चली कि उसके अपने सारे लोग जो है उस शहर को छोड़ करके, वहां से उस घर को छोड़ करके जा चुके हैं। उसके घर में कोई नहीं है, इवन आसपास के लोग भी कहीं जा चुके हैं। लेकिन जब वो जेल से छूट करके वापस आता है तो उसकी मुलाकात जो है रास्ते में किससे होती, केजी से होती। केजी एक प्रीचर है जिसने प्रीचिंग का काम त्याग दिया है, और दोनों जो है मिल करके जोड़ के घर जाते हैं। लेकिन जब वो जोड़ के घर जाते हैं तो उनको उनका पड़ोसी बताता है कि आपका परिवार जो है इस घर को छोड़ करके जा चुका है। ये तो ठीक है, एक स्टोरी बुनी जाएगी, स्टोरी आएगी, वो अपनी जगह है। अदर कैरेक्टर्स उसमें जो है अंकल जान जोड, ये आपको खुद ही पता चला कि जोड फैमिली के हैं। माँ जोड, माँ जोड जो है वो एक तरह से अगर देखा जाए जो मैटियाकी है, उस मैटियाकी की लीडिंग कैरेक्टर। मैटियाकी का मतलब कि जैसे जो दादी का रोल होता है, मदर का जो रोल होता है, तो उसमें जो है जो भी लेडी कैरेक्टर्स है, लेडी कैरेक्टर्स में जो फर्स्ट जनरेशन है वो कौन है, माँ जोड है। माँ जोड के अलावा पा जोड है। तो ये जो ये पूरा का पूरा जोड फैमिली है, इट्स व्हाट, इट्स अ जोड फैमिली। और यह जो जोड फैमिली है, यह जोड फैमिली किस तरह से चीजों को सरवाइव करती है, कैसे उसके सामने दुश्वारियां आती हैं, क्या परेशानियां आती हैं, और कैसे उसे अपने ओक्लाहामा सिटी जो उसका घर है उसको छोड़ करके उसको कैलिफोर्निया जाना पड़ता है, और फिर कितनी प्रॉब्लम उसको फेस करना पड़ता है, इन्हीं सारी चीजों को लेकर के बुना गया है। दूसरा चीज ये कि आपको टॉम जोड, केसी, ये दो कैरेक्टर ध्यान में रखना है। बाकी जब स्टोरी या प्लॉट पर मैं आऊंगा तो मैं आपको और बातें बताऊंगा। पब्लिशर इसका कौन से रहे, द वाइकिंग प्रेस रहा है। जेम्स लॉयड नाम के आदमी ने पब्लिश किया है द वाइकिंग प्रेस में। पेजेस 464, ये कोई मायने नहीं है लेकिन ऐसे ही लिख दिया गया है। अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट कि टुडे आई हैव टेकन द ग्रेप्स ऑफ रॉथ, इट्स अ नॉवेल ऑफ जॉन स्टेनबेक। जॉन स्टेनबेक वॉज एन अमेरिकन नॉवलिस्ट। इट पब्लिश इन 1939। द नॉवेल वन द नेशनल बुक अवार्ड एंड पुलिट्जर प्राइज फॉर फिक्शन। ओरिजिनली इट पब्लिश ऑन 14 अप्रैल 1939। एंड यू फाइंड हियर सम कैरेक्टर्स, टॉम जोड जो कि जेल में बंद है, 4 साल के बाद वो जेल से छूट कर आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने एक आदमी की हत्या कर दी थी, इसकी वजह से उनको जेल में डाल दिया गया था। और वो जोड फैमिली से बिलोंग करते हैं, यंग ब्लड है, और जोड फैमिली ओक्लाहामा सिटी में रह रही है, लेकिन वहां पे ड्रॉट आता है, तमाम परेशानियां आती है, उस शहर को छोड़ करके जाना चाहते हैं। बाकी और कैरेक्टर केसी है, अंकल जाम, जान जोड है, माँ जोड है, पा जोड है, द वाइकिंग प्रेस से पब्लिश हुआ है, पेजेस 464 है, ये तो कोई बड़ी चीज नहीं है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो इसका समरी है। मैं पूरा समरी प्लॉट के पर्सपेक्टिव से नहीं बता रहा हूँ, मैं केवल ये थीम बता रहा हूँ कि व्हाट डू यू फाइंड हियर। सबसे पहला चीज की सेट ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन, जब एक तरह से इंग्लैंड में ग्रेट डिप्रेशन का समय चल रहा था तो उसकी सेटिंग वहां पर है। अगर कभी क्वेश्चन आता है कि जो नॉवेल है इसका सेटिंग किस में है, तो इसका सेटिंग ग्रेट डिप्रेशन में है। हियर यू फाइंड दैट की व्हाट, हियर यू फाइंड दैट की सेट ड्यूरिंग ग्रेट डिप्रेशन द नॉवेल फोकसेस ऑन द जोड्स। जो नॉवेल है इस किस पर
जोर्स पर फोकस करता है। अब पुआ फैमिली ऑफ टीनाइड फार्मर्स, यह एक पुआ फैमिली है और एक टीनाइड फार्मर्स है। टीनाइड फार्मर्स खेतिहर खेतों में छोटे काश्तकार टाइप के जो दूसरों के खेतों में काम करने वाले हैं, टीनाइड फार्मर है। ड्राइवन फ्रॉम देयर ओक्लाहामा, और इनको अपना शहर ओक्लाहामा छोड़ना पड़ता है। तो आपको जो ध्यान में रखना है कि नावेल का जो सेटिंग है शुरू में कहाँ पर दिखाया गया है, ओक्लाहामा सिटी। ओक्लाहामा सिटी में कौन सा परिवार रह रहा है, जोड फैमिली रह रही है। जोड फैमिली क्या है, वो टीनाइट्स है, मतलब फार्मर्स है, पुअर है फैमिली है। और क्यों उनको ओक्लाहामा सिटी छोड़ना पड़ता है, वहां पे ड्रॉट आता है, सूखा आता है, इकोनॉमिक हार्डशिप आती है, आर्थिक तंगी आती है, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री चेंजेस, एग्रीकल्चरल की वजह से जो है मतलब एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की वजह से सब कुछ चीजें बदल जाती है। मतलब अब जो है खेती में मशीन का यूज किया जाने लगा, जब मशीन का यूज होने लगा है तो चीजें क्या हो रही, बहुत तेजी के साथ बदल रही है, और वो लोग इससे परिचित नहीं है, इसका हाउ टू यूज मशीन इन एग्रीकल्चर। और अब वहां पे मजदूरों का यूज नहीं किया जा रहा है, मजदूरों की जगह पे मशीन आ गई है, तो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या हो गई है। तो ये लोग अपना शहर छोड़ करके, ओक्लाहामा सिटी छोड़ करके कहाँ जा रहे हैं, शिफ्ट होना चाहते हैं कैलिफोर्निया होना चाहते हैं। लेकिन क्या सवाल वही उठता है, क्या कैलिफोर्निया में उनको वो चीजें मिल पाती हैं? तो आपको देखने को मिलेगा कि नहीं मिल पाती है। इनके साथ बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन जैसे ही कैलिफोर्निया का बॉर्डर आता है, इन्हीं के परिवार के लोग, बहुत सारे लोग इनको छोड़ करके चले जाते हैं वहां पे। नहीं, कुछ लोग रास्ते में दम तोड़ देते हैं, यहां तक आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बैंक फोर्स क्लोजर्स प्रॉब्लम है। बैंक वगैरह ने क्या किया है, बहुत सारी चीजों को बंद कर दिया है। और क्या चीजें, जैसे लोन बैंक देती है या कुछ और आर्थिक सहायता मदद करती है, तो ये सब चीजें जो है उसने सहायता देना बंद कर दिया है, फोर्सिंग टीनाइड फार्मर्स आउट ऑफ वर्क। और जो टीनाइड फार्मर्स है, अब उनके हाथों में काम नहीं, उनको कोई काम नहीं मिल रहा। इस वजह से यू विल कम टू नो कि यू सी प्रॉब्लम हुएयर, यू सी प्रॉब्लम देयर। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो इसका सेटिंग है वो कहाँ है, ओक्लाहामा सिटी है। किस परिवार को लेके कहानी बताई गई है, जोड फैमिली को लेकर के बताई गई है। समस्या क्या है कि दे आर द फार्मर्स, और वे जो फार्मर्स है अब उनके पास दे डोंट हैव जॉब, दे हैव लॉस्ट देयर जॉब्स। क्यों लॉस्ट कर चुके उनको जॉब, ड्रॉट की वजह से, सूखा की वजह से, इकोनॉमिक हार्डशिप की वजह से, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री चेंजेस की वजह से, बैंक फोर्स क्लोजर की वजह से, इन सब की वजह से दे लॉस्ट देयर जॉब। नाउ यू विल कम टू नो व्हाट, यू विल कम टू नो ड्यू टू देयर नियरली होपलेस सिचुएशन, और यह जो उनकी स्थिति है या होपलेस सिचुएशन है, एंड इन पार्ट बिकॉज दे आर ट्रैप्ड इन द डस्ट बाउल, और साथ ही साथ वे डस्ट बाउल में, ये जो हम लोग जो सॉरी डस्ट बोल, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन डस्ट बोल होगा, और वो पूरा का पूरा जो सूखा की स्थिति से वे एक तरह से ऐसे फंदे में फंस गए जहां पे अब कोई फसल नहीं उग रही, केवल धूल ही धूल है और कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है। अब इसके बाद इस बुरी सिचुएशन में द जोट्स सेट आउट, जब द जोट्स लिखा गया तो इसका मतलब कि जोट फैमिली पूरा बात की जा रही है, जो जोट फैमिली सेट आउट हुआ, रवाना होती कहाँ, फार कैलिफोर्निया, कहाँ के लिए, कैलिफोर्निया के लिए, एलॉन्ग विथ थाउजेंड्स ऑफ अदर ओकाइज, दूसरे और ओकाइज के साथ, किसकी तलाश में, सीकिंग जॉब्स, जॉब्स की तलाश में, लैंड की तलाश में, डिग्निटी की तलाश में, एंड अ फ्यूचर, कि उनका फ्यूचर सिक्योर होगा, इसकी तलाश में वे लोग यहाँ से निकलते हैं। जब वे लोग इसकी तलाश में यहाँ से निकलते हैं तो यू विल कम टू नो, बार बार वही चीजें हो रही है कि क्या कैलिफोर्निया उनको वो चीजें दे पाती है जिसको जिसकी उम्मीद में वो लोग कैलिफोर्निया का रास्ता नापे, या अपने हम अपने वतन ओक्लाहामा को वो छोड़ करके गए। अगर आप किसी जगह को छोड़ करके जाते हैं तो बेहतरी की उम्मीद में आप दूसरी जगह पर जाते हैं। तो ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है कि डिड दे गेट दैट थिंग इन कैलिफोर्निया आर नॉट। आप देखेंगे उनको कुछ नहीं मिला, बल्कि और समस्याओं से गुजरना पड़ा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स से उनको जूझना पड़ा वहां पर। अब मैंने क्या लिया, मैंने कैरेक्टर लिया, मैंने बताया कि मैंने इस पूरे नावेल या इसकी स्टोरी को दो हिस्सों में बांटा। तो एक तो आपको थीम, दूसरा कैरेक्टर सेटिंग, और थोड़ा सा राइटर का कि क्या है, जॉन स्टीनबेक कौन थे, उनको लेकर के बात किया गया। नाउ कमिंग ऑन कैरेक्टर, जो कैरेक्टर है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर टॉम जोड है, द प्रोटेगनिस्ट ऑफ द स्टोरी, पूरी स्टोरी का यही प्रोटेगनिस्ट है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि टॉम जोड
जेल में बंद है, 4 सालों से जेल में बंद है, और उसके जो अपने इसलिए जेल में बंद है कि वो ये कहा जाता है ही हैज मर्डर्ड समवन होमिसाइड की वजह से, नॉट सुसाइड, होमिसाइड, किसी का उसने मर्डर कर दिया है उसकी वजह से ही वाज इन जेल, बट आफ्टर 4 इयर्स ही गॉट बेल एंड ही कम्स आउट, और जहाँ कहाँ पे जाता है अपनी फैमिली के लोगों से मिलने जाता है, और उसकी फैमिली कहाँ पर सेटल डाउन है, उसकी फैमिली जो है ओक्लाहामा सिटी में है, लेकिन जब वह वहाँ पे जाता है तो रास्ते में उसको केजी मिलता है और केजी को लेकर के जाता है। केजी कौन है, उसका बचपन का दोस्त भी है जो प्रीचिंग का काम करता था, लेकिन अब वो काम करना छोड़ दिया है, वो काम भी उसके हाथ से निकल चुका है। जब दोनों ओक्लाहामा जाते हैं परिवार से, अपने परिवार से मिलने के लिए, तो पता चलती है कि उनकी फैमिली ने उस जगह को छोड़ दिया, दे आर नो, दे आर नॉट लिविंग देयर। अब अगर उसमें कैरेक्टर्स को आप देखेंगे, एक टॉम जोड में जो लेडी कैरेक्टर में जो सबसे सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है, माँ जोड है, जोड फैमिली मैटियाक, मैटियाक का मतलब यहाँ पे ये यह है कि जो पहली जनरेशन है, जो डिसीजन मेकिंग है, खासकर जो जिसको कहा जाता है कि मातृत्व और पितृत्व, मैटियाकी का मतलब मात्र सत्तात्मक परिवार, कि औरतों में जो सबसे बड़ी कैरेक्टर है या जो फर्स्ट जनरेशन की है जिसे आप दादी कह सकते हैं, वह कौन है, वह आपका माँ जोड है। माँ जोड का जो नाम है, जब उसका रियल नेम क्या था, हैजलेट, हैजलेट मतलब शादी से पहले, माइडन, हर माइडन नेम वाज हैजलेट, तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि माँ जोड का जो रियल नेम है वो क्या है, हैजलेट है, HAZLET। सो यू फाइंड दैट देयर इज अ जोड फैमिली, जोड फैमिली में टॉम जोड है, टॉम जोड बेटा है माँ जोड का या पा जोड का आप कह सकते हैं, और ये जोड्स फैमिली, द जोड्स फैमिली लिविंग वेयर, लिविंग इन ओक्लाहामा सिटी, बट दे आर शिफ्टिंग, या दे आर गोइंग टू वेयर, दे आर गोइंग टू कैलिफोर्निया। द रीजन इज व्हाट, ड्रॉट है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, और करप्शन है, साथ ही साथ हार्डशिप, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री चेंजेस है, इसकी वजह से दे आर लीविंग दैट पार्टिकुलर प्लेस। उसी फैमिली में पा जोड़ है, जिन्होंने पिता का रोल अदा किया है, जोड़ फैमिली पैटियाक, जो मेल कैरेक्टर है, उनके सबसे मेल कैरेक्टर में सबसे सीनियर कैरेक्टर्स हैं, आल्सो नेम्ड टॉम, और इनका नाम क्या था, इनका खुद का नाम भी टॉम रहा है। तो एक तो टॉम जोड़ है ही है जो प्रोटेगनिस्ट है, लेकिन जो पा जोड़ है, इनका नाम क्या है, टॉम है, और इनकी उम्र कितनी है, लगभग 50 साल है। तो जोड फैमिली में माँ जोड, पा जोड और टॉम जोड, एंड यू विल कम टू नो इनका अपना नाम क्या है, टॉम है, जिनका उम्र 50 साल है। इन्हीं के अंकल जॉन है, अंकल जॉन जो है एक है पा जोड्स ओल्डर ब्रदर, नॉट एल्डर ब्रदर, पा जोड के ओल्डर ब्रदर है, नॉट एल्डर ब्रदर आर द एल्डेस्ट ब्रदर, बल्कि वो क्या है, अंकल जॉन है, अंकल जॉन आपके पा जोड्स ओल्डर ब्रदर। आई सेड कि आई एम ओनली टेलिंग यू अबाउट कैरेक्टर, नथिंग एल्स। नेक्स्ट कैरेक्टर जिम केसी, जिसका मैंने अभी मैंने जिक्र किया था, एक प्रीचिंग का काम करता है, और ये जो है दोस्त है, किसका जो है दोस्त है, टॉम जोड का दोस्त है। सो हियर यू फाइंड जिम केसी अ फार्मर प्रीचर, पहले ये जो है क्या था, फार्मर माने पहले, ये पहले प्रीचर का काम करता था, हु लॉस्ट हिज फेथ, जो अपना विश्वास खो चुका है, ही इज अ क्रिस्ट लाइक फिगर बेस्ड ऑन स्टीनबेक्स फ्रेंड एड रिकेट्स, और आप देखेंगे कि ऐसा लगता है कि जैसे ये जो है क्या है कि जो स्टीनबेक जो नॉवलिस्ट है, स्टीनबेक के एक दोस्त थे जिनका नाम एड रिकेट्स था, एड रिकेट्स के कैरेक्टर को ऐसा लगता है यहाँ पर सिमिलर कैरेक्टर, जो जिम केजी है, जिम केजी ऐसा लगता है कि जॉन स्टीनबेक के जो दोस्त है एड रिकेट, उनके रोल को उसने निभाया हुआ है। तो जिम केजी को मैं बार बार इसलिए आपको सामने ला रहा हूँ कि जिम केजी टॉम जोन्स जोड के अच्छे दोस्तों में से है, वो पहले फार्मर प्रीचर थे, बट नाउ ही लॉस्ट हिज फेथ, ही डजंट बिलीव इन प्रीचिंग गॉड एंड अदर थिंग, और इनका रोल कौन, ऐसा लगता है कि ये जो है जॉन स्टीनबेक के जो दोस्त थे इर रिकेट्स, उनका रोल इन्होंने निभाया हुआ है। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टर अल जोड, द थर्ड यंगेस्ट जोड सन, जोड सन के ये जो है तीसरे यंगेस्ट सन है जोड फैमिली के, द थर्ड यंगेस्ट जोड सन, आई स्मार्ट एलेक, 16 ईयर ओल्डर, 16 साल के है, हु केयर्स मेनली फॉर कार्स एंड गर्ल्स, जो कार्स और गर्ल्स की चिंता बहुत ज्यादा करते हैं, ही लुक्स अप टू टॉम बट बिगिंस टू फाइंड हिज ओन वे, पहले टॉम पर डिपेंड करते हैं लेकिन फिर अपना रास्ता खुद तय कर लेते हैं, ये कौन है, अल जोड है। तो जोड फैमिली में एक कैरेक्टर अल जोड भी है। नेक्स्ट कैरेक्टर है रोज ऑफ, रोज ऑफ शरान एंड जोड राइवर्स,
द एल्डेस्ट जोड डाटा, द एल्डेस्ट जोड डाटा, जोड की मतलब टर्म जो है या जोड फैमिली की, ये जो है क्या है, सबसे बड़ी बेटी है। तो सबसे बड़ी बेटी का क्या नाम है, रोज ऑफ शेरान, एस एच ए आर ओ एन, रोज ऑफ शेरान जोड राइवर, द एल्डेस्ट जोड डाटर्स, अ चाइल्डिश एंड ड्रीमी टीनेज गर्ल, और इनकी उम्र कितनी, 18 साल की है। सो हियर यू फाइंड कि अभी तक जितना भी कैरेक्टर्स, ऑल द मींस द कैरेक्टर्स व्हिच यू सी हियर, द कैरेक्टर्स व्हिच यू फाइंड हियर, यू विल कम टू नो कि दीज आर द कैरेक्टर्स एसोसिएटेड विद जोड फैमिली या दे आर द मेंबर्स ऑफ द जोड फैमिली। तो अल जोड उनके यंगेस्ट सन है, जोड सन है, रोज ऑफ शेरान जोड राइवर्स, ये जो है क्या है, एल्डेस्ट डॉटर है, दिस थिंग्स यू फाइंड, और हु डेवलप्स इनटू अ मैच्योर वुमन लेटर ऑन, ये तो है ये। तो दिस इज द रोज ऑफ शेरान। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टर कॉनी राइवर्स, रोज ऑफ शेरान्स हस्बैंड, कॉनी राइवर्स है, और ये कॉनी राइवर्स क्या है, रोज ऑफ शेरान्स हस्बैंड, ये उसके हस्बैंड है, इसका मतलब ये जोड फैमिली के दामाद हुए। कॉनी राइवर्स, रोज ऑफ शेरान्स हस्बैंड, ही इज 19 ईयर ओल्ड, कितने साल की, 19 साल के, इनकी वाइफ कितनी साल की, 18 साल की है। तो कॉनी राइवर्स क्या है, रोज ऑफ शेरान्स हस्बैंड, इसका मतलब जोड फैमिली के दामाद हुए। ही अबैंडन्स हिज वाइफ एंड द जोड फैमिली शॉर्टली आफ्टर द अराइव इन कैलिफोर्निया, जैसे ही ये कैलिफोर्निया पहुंचते हैं, ये अपनी पत्नी को और साथ ही साथ जोड फैमिली को त्याग देते हैं, मतलब ये भी अलग हो जा रहे हैं, किससे अलग हो जा रहे हैं, जोड फैमिली से। तो कॉनी राइवर्स जो है, जो दामाद जी है, एक तरह से कहा जाए कि अपनी वाइफ को उन्होंने छोड़ दिया और ससुराल को छोड़ दिया, अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाने लगे जैसे ये कैलिफोर्निया पहुंचते हैं। तो बस आपको एक काम यही करना है कि एक कैरेक्टर्स को आपको दिमाग में रखना है, कैरेक्टर्स को आपको माइंड मेकअप करना है कि कैरेक्टर्स कौन कौन से रहे हैं। उसके बाद कौन आते हैं, मिस्टर वेन राइट। मिस्टर वेन राइट कौन है, अ फेलो ब्रदर है, अ फेलो ब्रदर मींस आप कह सकते हैं कि लेबर, यहाँ फेलो ब्रदर का मतलब मैं लेबर के सेंस में बात कर रहा हूँ कि जो मजदूर वर्ग है उन्हीं मजदूर वर्गों में से एक है, और उनका क्या नाम, मिस्टर वेन राइट, अ फेलो ब्रदर लेबर ऑन द कॉटन फार्म इन कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया में मजदूरी करते हैं। ही इज द हस्बैंड ऑफ मिसेज वेन राइट, और एक इसके हस्बैंड है मिसेज वेन राइट के। तो अभी तक आपने जितना ऊपर के कैरेक्टर देखे थे वो जोड फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन अब आपको दूसरा जो है फैमिली नजर आ रही है, और वह कौन सी है, वेन राइट है, और ये कहाँ से करते हैं, ये सीधे कैलिफोर्निया के कैरेक्टर्स है, और जो जोड फैमिली थी वो कहाँ पे, ओक्लाहामा में रहती थी, ओक्लाहामा से वो कैलिफोर्निया गई थी, लेकिन ये लोग जो वेन राइट है, जो मिसेज वेन राइट है, ये ऑलरेडी जो है कहां पे रह रहे हैं, कैलिफोर्निया में रह रहे हैं, और वेन राइट क्या है, लाइब्रेरी है एक तरह से, और उनकी वाइफ मिसेज वेन राइट है। मिसेज वेन राइट को एक बेटी है जिसका नाम क्या है, एगी, एजी, मदर ऑफ एगी एंड वाइफ टू मिस्टर वेन राइट, शी हेल्प्स डिलीवर मां जोड को, मां डिलीवर रोज ऑफ शेरान्स बेबी, और वह किसकी हेल्प करती है, माँ डिलीवर रोज ऑफ शेरान्स बेबी, शेरान्स को एक बेबी है, वह उसके पालने पोसने में उसकी मदद करती है। तो मिसेज वेन राइट जो है माँ है, किसकी माँ है, एगी की माँ है, साथ ही साथ ये हेल्प करती है, माँ डिलीवर रोज ऑफ शेरान्स बेबी का हेल्प करती है। एगी वेन राइट द 16 ईयर ओल्ड डॉटर ऑफ मिस्टर एंड मिसेज वेन राइट, late in the novel she and al jod announce their intent to marry। ab dekhiyega ki jod family ka aur wen right family ka rishta kaise judta hai, kiski wajah se judta hai, eggy wen right jo hai shaadi karne ko taiyar hai, kisse shaadi karne ko taiyar hai, al jod se, al jod se wo shaadi karne ko। to is tarah se aap dekhenge ki eggy wen right jo ki डॉक्टर है मिसेज वेन राइट का, मिस्टर वेन राइट का, और ये आपके कौन है, लेबर क्लास से बिलोंग करते हैं, और ये जोड फैमिली का जो बेबी है मिसेज वेन राइट उनकी मदद करती है, लेकिन लेटर ऑन यू विल कम टू नो कि एगी वेन राइट शी इज रेडी टू मैरी विद हिम अल जोड एंड शी अनाउंसेस दैट दे आर इंटेंट टू मैरी। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टर यू फाइंड फ्लैड नॉलेस, फ्लैड नॉलेस, एफ एल ओ वाई डी के एन ओ डब्ल्यू एल एस, अ मैन ऑफ हूवर वीली, वेयर द जोड फर्स्ट स्टे, कह रहे कि ये मैन कहाँ के, हुवर वीली, एक जगह के जहाँ पे जोड फैमिली पहली बार आकर के रुकती है, फर्स्ट स्टे इन कैलिफोर्निया, अ मैन एट हुवर वीली, वेयर द जोड फर्स्ट स्टे इन कैलिफोर्निया,
हु अर्जेस टॉम एंड केजी, जो टॉम और केजी से जो है अर्ज करते हैं टू ज्वाइन लेबर ऑर्गेनाइजेशन, कि आप लोग भी लेबर ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लीजिए। होता क्या है कि जब टॉम जो है जेल से बाहर आता है और अपने दोस्त केजी के साथ, जिम केजी के साथ जब जाता है अपने परिवार की तलाश में, तब एक पड़ोसी बताता है कि तुम्हारा जो परिवार है वो कहाँ पर रुका हुआ है, फ्लैड नॉलेज के घर पर रुका हुआ है, FLOYDKNOWLES, उस घर पर रुका हुआ है, तो वहां पे वो जाते हैं उनसे मिलने के लिए यहीं पर। और ये फ्लैड नॉलेज कहाँ पे रहते हैं, हूवर वाइल में रहते हैं, वेयर द जोर फर्स्ट स्टेट कैलिफोर्निया। एंड यू विल कम टू नो कि ये लोग टॉम और केजी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको लेबर ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहिए। और फ्लैट नॉलेज एक बड़ा आंदोलन खड़ा करता है जिसका रिजल्ट ये आता है कि हिज एजिटेशन रिजल्ट केजी बीइंग जेल्ड। और जब जो है फ्लैट जो है एजिटेशन करता है तो केजी को जेल भी हो जाता है, मतलब केजी भी जेल जाते हैं। तो ये चीजें आप देख रहे हैं कि क्या है। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टर आईवी एंड सेरी विल्सन। ये जो आईवी और सेरी विल्सन है ये माइग्रेंट कपल है, दे आर द माइग्रेंट कपल, ये कहीं से आए हुए कपल है फ्रॉम अरकानसास। और कहां से आए हैं, अरकानसास से आई हुई एक जगह का नाम है, हु अटेंड द डेथ ऑफ ग्रांपा, जो कि ग्रांपा की डेथ को अटेंड करते हैं जब वो मर जाते हैं तो उनको विदाई देने के लिए ये दोनों फैमिली, ये दोनों लोग आए हुए, आईवी एंड सेरी विल्सन माइग्रेंट कपल है, हु अटेंड द डेथ ऑफ ग्रांपा एंड शेयर द जर्नी एज फार एज कैलिफोर्निया स्टेट लाइन। और उनको कहां तक उनकी हेल्प करते हैं, जैसे ही कैलिफोर्निया का सरहद आती है कैलिफोर्निया तक उनकी हेल्प करते हैं, उसके बाद उनका साथ छोड़ देते हैं। और मैंने जैसा बताया था कि ग्रांपा जो है ये रास्ते में ही मर जाते हैं, तो जब वो रास्ते में मर जाते हैं तो उस फैमिली को या उस समय अगर कोई हेल्प करता है तो आईवी और सेरी विल्सन है। और आईवी और सेरी विल्सन क्या है, ये माइग्रेंट कपल है, किसकी डेथ को ज्वाइन करते हैं, ग्रांपा की डेथ को ज्वाइन करते हैं और कैलिफोर्निया की सरहद से पहले जो है इस फैमिली को लोग छोड़ देते हैं। मली ग्रेव्स, अ नेबर ऑफ द जोर्स, ये जो है क्या है, मली ग्रेव्स ये जोर्स का के यहाँ का पड़ोसी है। तो होता क्या कि पड़ोसी है, जब देखो इनकी फैमिली दो जगह स्टे करती है, एक तो सबसे पहली बार कब स्टे करती है, जब कैलिफोर्निया जाने से पहले, जब ये लोग अपना घर बेच चुके हैं और टॉम जोन्स जो है, टॉम जोन्स जब जेल से बाहर आता है तब ये लोग अपना घर छोड़ करके कहाँ पे जाके रुके हुए, मली ग्रेव्स के यहाँ रुके हुए, नेबर ऑफ द जोन वहां पे। फिर उसके रुके नहीं, सॉरी, ये आदमी उनको इन्फॉर्म करता है, इनका ये जो पड़ोसी है मली ग्रेव्स उनको इन्फॉर्म करता है। आई विल टेल यू द स्टोरी टूडे, यू हैव टू गो ओनली विद द कैरेक्टर। तो मली ग्रेव्स क्या है, नेबर है, किसका, जोट का नेबर है, जिम रावले, ही मैनेजेस द कैंप एट वीड पैच एंड शोज द जोट सरप्राइजिंग फेवर। और जिम राउली क्या है, ये जो है जोट फैमिली को जो है ज्वाइन करता है, मतलब उनको जो है सम्मान देता है, उनको सरप्राइजिंग फेवर देता है, उम्मीद नहीं रहती फिर भी वो उनके सपोर्ट में खड़ा होता है। विनी फील्ड जोट, द यंगेस्ट जोट सन, जोट की फैमिली का सबसे छोटा बेटा है विनी फील्ड जोट, जो 10 साल का है। रूथी जोट, द यंगेस्ट जोट डॉटर, जोट डॉटर का सबसे छोटी बेटी, द यंगेस्ट जोट डॉटर, और ये सबसे छोटी बेटी है जो 12 साल की है। शी शोन टू बी रेकलेस एंड चाइल्डिश, उसका नेचर अभी चाइल्डिश है, इस तरह से दिखाया गया है। ग्रैंडमा जोट, ग्रामपास रिलीजियस वाइफ, ये ग्रामपास की क्या है, रिलीजियस वाइफ है। ग्रामपा और ग्रैंडमा ये जो है, ये आप कह सकते हैं कि जो दादी जी या दादा जी है उनको लेके बात की गई है, जोड़ फैमिली का। ग्रांडमा, ग्रांपास रिलीजियस वाइफ, शी लॉसेस हर विल टू लिव आफ्टर हिज डेथ। और जब ग्रांडमा की मौत हो जाती है तो ग्रांडमा जो, ग्रांडमा जब ग्रांपा की मौत हो जाती है तो ग्रांडमा जो है क्या करती है, कहती है मैं जीवित नहीं रहूंगी। शी डाइज व्हाइल द फैमिली इज क्रॉसिंग द मोजावी डेजर्ट, जब फैमिली मोजावी डेजर्ट को क्रॉस करती है तभी दादी की मौत हो जाती है, और उससे पहले ग्रांपा की मौत हो जाती है। तो अगर आप ये देखेंगे दो डेथ होती है कैलिफोर्निया पहुंचने से पहले, रास्ते में जोट फैमिली में से दो सदस्यों की मौत हो गई है, एक मौत तो ग्रांडमा जोट की है और दूसरा मौत किसका है, बाद में उसी दुख में ग्रांपा, सॉरी एक तो डेथ ग्रांपा जोट पहले और ग्रांपा जोट की दुख में ग्रांडमा जोट भी चली जाती है।
तो ग्रांपा जो क्या है, टॉम्स ग्रैंडफादर, उनके ग्रैंडफादर है, हु एक्सप्रेसेस हिज स्ट्रांग डिजायर टू स्टे इन ओक्लाहोमा, जो कहते हैं वह ओक्लाहोमा में रुकेंगे. हिज फुल नेम इज गिवन एज विलियम जेम्स जोड. एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उनका जो पूरा नाम है वो क्या है, विलियम जेम्स जोड. तो ग्रांडमा जोड, ग्रांपा जोड, दादा दादी, दादा पहले जाते हैं ग्रांपा जोड, और पहले तो ये कहते हैं नहीं वो कहाँ पे रुकेंगे, ओक्लाहोमा में ही रुकेंगे, और लेकिन उनकी मौत हो जाती, जब उनकी मौत हो जाती तो ग्रांडमा भी क्या करती है, कहती है कि मेरी जीने की कोई ख्वाहिश नहीं है. फिर एक और कैरेक्टर मैंने जोड़ा है, नूह जोड, द एल्डेस्ट जोड सन, जोड फैमिली का सबसे बड़ा बेटा. ही इज द फर्स्ट टू लीव फैमिली, सबसे पहले फैमिली को यही छोड़ता है. नियर नीडलेस कैलिफोर्निया, जब वह कैलिफोर्निया के पास पहुंचता है या कैलिफोर्निया शहर में जब ये लोग पहुंचते हैं, तो फैमिली को छोड़ने वालों में सबसे पहला आदमी कौन है, उनका बड़ा बेटा, और उस बड़े बेटे का क्या नाम है, नूह जोड है. सो इन दिस वे यू केम टू नो अबाउट जोड फैमिली. जोड फैमिली के अलावा जो है आपको, वैसे मैंने मिसेज वेन राइट के बारे में बताया, मैंने आपको बताया कि नावेल किस सिचुएशन में लिखा गया है, कैसे बुना गया है, क्या क्या रीजन है, क्या क्या चीजें हैं. बस ग्रेट डिप्रेशन को याद करना है, उस सिचुएशन को याद करना है, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड की व्हाट आई वांट टू से. सो इन दिस वे यू केम टू नो अबाउट मींस टुडेज क्लास में कि शेयर की बताया है जान स्टेनबेक, उनका नावेल द ग्रेप्स ऑफ रात जो 19 आता है, और उसमें जो फैमिली अमेरिका में जो ग्रेट डिप्रेशन था उसको, जो इकोनॉमिक क्राइसिस थी उसको, और दो जगहों को लेकर के बुना गया, ओक्लाहोमा सिटी और कैलिफोर्निया को लेकर के. यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि बहुत ही सिंपल वे में चीजें प्रेजेंट की गई है, बट आई वुड लाइक टू से कि हम इसके दूसरे पार्ट को, इसकी स्टोरी या इसके प्लॉट को लेकर के कल मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि ये कोई शॉर्ट स्टोरी नहीं थी कि मैं 10 मिनट में कर देता ये आपके सामने. तो एक हिस्सा था जिसे मैंने दो हिस्सों में बांटा. अगर आपको समय होगा, अभी तो नहीं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं उसकी स्टोरी आज ही बता सकता हूँ, लेकिन मैं उसके लिए एक सेकेंड पार्ट को मैं लेके आऊंगा. अगर कोई क्लास ना हो तो मुझे आप आधा घंटे का समय दीजिए, मैं आधा घंटे बाद फिर आपसे ज्वाइन कर सकता हूँ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. सर कल कराना है आपको, उसके बाद कल करना, कल ठीक हो.